नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको फिर लेके चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत एरिया में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो बहुत सारी घूमने वाली जगह हैं, पर जहां हम लेके जा रहे हैं इस जगह में बहुत कम लोग जाते हैं। और आज हमारा इरादा है चंडीगढ़ से लाहौल स्पीति को जाने का और वहाँ से मनाली होते हुए वापस चंडीगढ़ आने का, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है तो इसे हम 2-3 फेसेस में तय करेंगे। आज हम दिखा रहे हैं आपको जो पार्ट वन है काजा तक जाने का, उसके बारे में दिखा रहे हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। तो दोस्तों, पहला पड़ाव हम करेंगे रामपुर में। रामपुर चंडीगढ़ से 239 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 6 घंटे का रास्ता है। हालांकि रास्ता ज़्यादा नहीं है, पर हमारा इरादा जो है आपको एरिया दिखाना और ख़ुद भी इंजॉय करना है, तो इसलिए हम इस रास्ते को धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे। उसके बाद अगला स्टे हम को में करेंगे और फिर काजा में जाके रुकेंगे। तो अभी देखते हैं आगे आगे चलते हैं जर्नी किस तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शिमला को बाईपास किया जाए क्योंकि शिमला में काफ़ी भीड़ रहती है, तो हम वहां से शिमला से नीचे ही की साइड से बाईपास से सीधा जो आगे है नरकंडा के लिए निकल जाएंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से, काफ़ी रास्ता हमने तय कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ हरियाली है, बारिश का मौसम है। तो हालांकि हम मानसून में ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर फिर हमने जब वेदर के रिपोर्ट और एरिया देखा तो हमें लगा कि कोई रिस्क वाली बात नहीं है। रोड काफ़ी अच्छे हैं इस तरफ, जैसा कि हमें बताया गया, बाकी आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। तो हम निकल पड़े हैं सुबह चंडीगढ़ से और अभी हम तकरीबन नरकंडा के पास पहुंच चुके हैं। एक बार आपको वादी का यहां से बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं। हम यहां थोड़ी देर के लिए रुके हैं और आपको नीचे का व्यू दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वैलीज हैं यहां, जहां से भी पहाड़ से नीचे की तरफ हम जाते हैं। देखिए ये कितना अच्छा जो है नीचे जो दरिया का नज़ारा है और बाकी हरियाली है चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत लगता है इस मौसम में। नीचे जो रिवर है वो सतलुज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सतलुज इस रोड पे लगातार हमारे साथ ही चलेगा और हम सतलुज के ओरिजिन तक जाएंगे जहाँ से सतलुज स्टार्ट होता है। तो सतलुज के साथ साथ ये रोड कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहेगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, हालांकि अभी बरसात का मौसम है तो ये थोड़ा पानी गंदला नज़र आएगा। ये देखो जी, टूरिस्ट लोग चाय बना रहे हैं। अभी हम रास्ते में रुके हैं, थोड़ा चाय बनाने की कोशिश चल रही है। तो देखिए, सिलेंडर हम लेके आए थे तो शायद हमने कभी यूज़ नहीं किया, तो थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ रही है कि सिलेंडर को फिक्स करने में कि इसको लॉक किस तरह है। तो देखिए, दिवजोत सिंह कोशिश पूरी कर रहे हैं और गिल साहब भी उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। हालांकि चाय की उम्मीद इसी पे डिपेंड करती है। चलो, चाय बन गई, हम चाय पी के दोबारा निकल चुके हैं अपने मन आज की डेस्टिनेशन रामपुर की तरफ। बहुत सुंदर वादियाँ हैं चारों तरफ, थोड़ी थोड़ी धुंध भी है और मौसम बहुत ही खुशगवार है। छोटे मोटे गीत सुनते हुए हम दो गाड़ियों में जा रहे हैं काजा की ओर। काजा से पहले हम रामपुर में आज रुकेंगे, हॉल्ट करेंगे ताकि रास्ता लंबा ना हो और हम रास्ते को पूरी तरह इंजॉय कर सकें। अभी काफ़ी देर हमने ड्राइव कर लिया है तो हम सोचते हैं कि कोई अच्छी जगह आए तो वहाँ पे हम लंच कर लें। लंच के लिए हम जगह देख ही रहे थे तो नरकंडा के पास हम पहुँच गए हैं, तो उम्मीद है यहाँ पे हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये देखिए, नीचे एक जगह मिली है हमें, हम यहाँ से अच्छा व्यू भी है देख रहे हैं नरकंडा में। ये जो नीचे आप देख रहे होंगे प्लास्टिक से जो कवर किया हुआ है, ये सेबों के बाग हैं। सेबों को कवर किया गया ताकि उनको जानवर कोई नुकसान ना पहुँचाए। और काफ़ी अच्छे इस किन्नूर वैली के सबसे बढ़िया सेब जो हैं मीठे और मिठास वाले इस किन्नूर वैली के होते हैं। आज हम आपको जाके इसके बारे में और भी बताएंगे कि इस खूबसूरत जगह में सिर्फ जगह ही खूबसूरत नहीं है, रोड्स भी बहुत अच्छी हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर बहुत ही मीठे एप्पल जो बढ़िया क्वालिटी के हैं और
पूरे ही तकरीबन एक्सपोर्ट होते हैं, तो यहाँ वो मिलते हैं। बल्कि ये मिलने बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर ही इतने रहते हैं और ये प्री बुक रहते हैं सारे। तो आमतौर पे ये लोकल मार्केट में किन्नूर का एप्पल जो है बहुत ही कम आता है। तो जहाँ चारों तरफ काफ़ी अच्छी एप्पल की फसल लग रही है इस बार, खैर अभी तो पके नहीं है तो इसलिए हम खरीद नहीं पाएंगे कहीं से, बाकी कोशिश करेंगे। तो ये हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट लगा है, हम यहाँ पे जो रुक रहे हैं, देखिए अरोमा करके ये होटल है, अच्छा हॉल अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा है। तो यहाँ पे हम करते हैं लंच, क्या ये कर लिए हमने, ऑर्डर दे दिया है लंच का, तो भूख काफ़ी अच्छी लग चुकी है हमें। और खाना आने तक हम थोड़ा व्यू एंजॉय करेंगे। देखिए चेहरों पे थोड़ी हवाइयाँ ज़रूर उड़ रही हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो खाना खाने के बाद हम दोबारा निकलेंगे और फिर दोबारा जो व्यूज़ को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है धर्मपुर है, जो अभी भी काफ़ी आगे है, और हम कोशिश करेंगे कि रात से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि अंधेरे में नई जगह ढूंढनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ पे भी हमने अपने रहने का अरेंजमेंट किया है तो हम चाहते हैं अपने गंतव्य पे दिन दिन में पहुँच जाएँ और वहाँ पे जाके सेटल हो जाए, ताकि अच्छे से रात गुजारी जाए और अगले दिन वहाँ से फिर स्टार्ट किया जाए। तो हम कानपुर के काफ़ी पास पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही रास्ता बचा है, तो उसके बाद हम रामपुर में हमने टाई अप कर लिया है। तो एक अच्छी अकोमोडेशन हमें मिल गई है जहां पे रात को हमें खाने का इंतज़ाम भी है और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वहां पे हम पहुंच के थोड़ा विश्राम करेंगे। अब कोशिश यही जारी रहेगी कि हम वहाँ पर अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि लग रहा है मैं कि वहाँ हम पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएंगे, पर कोशिश है कि हम वहाँ पे ज़्यादा लेट ना हो और अंधेरे से पहले हम वहाँ पे अपने रहने के ठिकाने पे पहुँच जाएं। अभी हम आपको इसी एरिया में लिए गए एक ड्रोन के व्यू का दिखा रहे हैं। देखिए ये ड्रोन से एक छोटे से टाउन का जो व्यू है वो लिया गया है। कितना सुंदर व्यू है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ टाउन और नीचे बहता हुआ सतलुज, सतलुज के ऊपर आप जो ब्रिज देख रहे हैं वो दूसरे तरफ जाने के लिए है। तो हालांकि हमारा उधर जाने का कोई इरादा नहीं है, तो हम आपको यहीं से वो व्यू दिखा के आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। आज हम खड़े हैं रामपुर में जो जाने वाले रास्ता में इंडिया के लास्ट लेके जाएंगे, आगे का रास्ता आगे दिखाएंगे। फिर मौजूदा चैनल पे ये ब्यूटीफुल वादियाँ कश्मीर से भी बेटर जो है हिमाचल की, जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत अच्छा इलाका है। दोस्तों हम पहुँच गए रामपुर, अब जहाँ पे हमने रहना है वो सतलुज के दूसरी तरफ है, तो हमें ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होगा। पहुँच गए हैं हम वहाँ और काफ़ी अच्छे समय से पहुँच गए हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो यहाँ पे हॉर्सेस हैं काफ़ी रखे हुए इन्होंने, तो ये कुछ हॉर्सेस यहाँ पे फ्रीली घूमते हुए हॉर्सेस हैं। हालाँकि हमने कोशिश करी कि इन घोड़ों से बात करी जाए, पर वो इतने फ्रेंडली नहीं हैं कि हमारे पास आते, उसके बावजूद भी ये जगह भी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल सतलुज के किनारे है। और कहाँ यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी छोटे छोटे जानवर वगैरह रखे हुए हैं, बहुत अच्छा लॉन है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, और मौसम भी बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो देखिए देसी मुर्गियाँ हैं, हमके जो ब्रेकफास्ट है इन्हीं के अंडों से मिल रहा है, और बत्तख भी रखी हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छा व्यू है, और घोड़े भी रखे हुए हैं। तो ये एक अच्छी लोकेशन है, यहाँ से हम गुजर के अभी आगे जाएंगे और फिर अभी आपको आज जितना के लिए हम आज पहुँच चुके हैं,
तो आपको ये छोटा सा व्यू का हम एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से इनके लॉन से कितना बढ़िया व्यू है जो आप देख सकते हैं। तो ये था पार्ट वन जो आज हमने आपको चंडीगढ़ से काजा की जर्नी का दिखाया। अभी हमारा प्लान चेंज हो गया, हम काजा से मनाली नहीं जा पाएंगे क्योंकि मनाली से चंडीगढ़ आने का रास्ता बंद है, तो हम वापस इसी रूट से आएंगे और आते समय भी आपको कुछ दिखाएंगे। आज हमारा जो पहला पड़ाव है वो रामपुर में था, तो कल सुबह हम यहाँ से निकल रहे हैं पो के लिए। पो का रास्ता कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, पर रास्ते में एक जगह रोड ब्लॉक है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा, उसके टाइमिंग के हिसाब से निकलेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।